कैसे हैं दोस्तों। एसएससी फेज 9 कल रिजल्ट आ गया है आप लोगों का, और आप लोगों के साथ कुछ अपडेट भी शेयर कर दिया था मैंने। उसके बाद बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे, कुछ इश्यूज हैं। जैसे सबसे बड़ा अभी प्रॉब्लम हो रहा है कि कुछ कैंडिडेट ने एप्लीकेशन फॉर्म जो है प्रिंट नहीं लिया था या डाउनलोड नहीं किया था, तो अब उनके पास एलिजिबिलिटी है लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। जो बेस्ट चीज है वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जो हो सकता है पॉसिबिलिटी, और उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं आप लोगों को प्रिपेयर करने हैं और कैसे उनको सेंड करना है। ओबीसी सर्टिफिकेट को लेके भी काफी लोग कमेंट्स कर रहे थे। अब हर किसी का रिप्लाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है, बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन होगा। और कुछ डाउट्स ये भी हैं कि सर, एक से ज्यादा पोस्ट के लिए हम सिलेक्ट हुए हैं तो डॉक्यूमेंट्स कितनी बार हमें सेंड करने पड़ेंगे, कहाँ सेंड करने पड़ेंगे, तो ये चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, पूरा देख लीजिएगा, आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद भी कुछ डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। मैं खुद फेज 8 का एस्पिरेंट था, मैंने भी फेज 8 का एग्जाम दिया था, सारी प्रोसेस देखी है, कैंडिडेट कैसे रिजेक्ट हुए हैं, क्या क्या वजह हुई है, तो वो चीजें मैं नहीं चाहता कि आप लोग फेस करें। सबसे पहली बात यह है कि एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है। देखो, नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया था कि कैंडिडेट जो है अपने फॉर्म जब भर रहे हैं तो उसका जो एप्लीकेशन बन रहा है, जो प्रिंट निकल रहा है, वो आप जरूर लेके रखिए। ऐसा इसलिए होता है कि मान लीजिए आप दो पोस्ट के लिए, तीन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और तीनों पोस्ट की क्वालिफिकेशन अलग-अलग है, तो जो फॉर्म में आप इंफॉर्मेशन डिक्लेयर करते हो या फिल करते हो, वही फॉर्म जो है आपका स्क्रूटनी के टाइम चेक होता है, ठीक है। जैसे अभी आप लोगों का सीबीटी का एग्जाम हो गया, सीबीटी के बाद अब आप लोग अपने डॉक्यूमेंट सेंड करोगे कंसर्न रीजन को, वो रीजन क्या करेगा, आपके डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी करेगा, उनको चेक करेगा जो आपके प्रिंट, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरे थे उसके हिसाब से। और अगर उनको लगता है कि ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो वो आपको क्या करेंगे, आगे की प्रोसेस के लिए सिलेक्ट करेंगे, मतलब वो एक लिस्ट देंगे जिसको हम बोलते हैं ओके लिस्ट या एक्सेप्टेड लिस्ट, ठीक है। और फिर जो लोग उसके लिए एलिजिबल होते हैं इस लिस्ट में, उनका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आप इसके बाद रिटर्न टाइप कोई भी एग्जाम नहीं होना है, ठीक है, याद रखना है एक ही एग्जाम है सीबीटी। अब सारा जो आपका चलना है वो डॉक्यूमेंट पे चलना है, और कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिनके लिए स्किल टेस्ट होता है तो उनका स्किल टेस्ट होगा, कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिनके लिए फिजिकल टेस्ट है, या फिर जैसे प्रैक्टिकल कुछ टाइप स्किल टेस्ट होता है, जैसे लश्कर पोस्ट के लिए आपका स्विमिंग जो होता है उसका टेस्ट होता है, तो ये चीजें अब चलेंगी, ठीक है। तो अब इसके बाद आप एक चीज देखो जरा कि एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में हम बात करें, एसएससी ने अभी तक कोई ऑप्शन नहीं दिया है कि आप अपना एप्लीकेशन प्रिंट कर सकते हैं। हालांकि फेज 8 में ऐसा था, खुद ब खुद इन्होंने अपना लिंक जो है एक्टिवेट कर दिया था, लेकिन अभी क्या है, एसएससी अपने नोटिफिकेशन में जो बोल रहा है उसको पूरी तरह से वो फॉलो कर रहे हैं। सो अब एक काम करो, जितने भी लोग जिनका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है अपने रीजन में, ठीक है, अपने रीजन में सभी लोग कांटेक्ट करो, और कांटेक्ट करो और ईमेल सेंड करो। ईमेल तो आपको करना ही है, जितना ज्यादा आप यहाँ पे कोशिश कर लोगे वही आप लोग के लिए फायदा देगा। हो सकता है कि एसएससी अभी आप स्टार्ट करोगे एक दो दिन में, तो दो तीन दिन में आपका लिंक एक्टिवेट कर दे जिससे आप प्रिंट ले पाओ। अभी मैंने बहुत सारे लोगों की आईडी ओपन करके चेक किया, कोई ऑप्शन नहीं है, नोटिफिकेशन में कहीं कुछ मेंशन नहीं किया है और कोई अपडेट नहीं आया है, तो एक ही तरीका अब समझ आ रहा है कि आप सभी लोग सभी रीजन में, जो भी आपके कंसर्न रीजन है, जितने भी रीजन में आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, सभी रीजन में आप ईमेल करिए, उनसे बोलिए कि सर हमारे पास ये एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, प्लीज काइंडली प्रोवाइड द लिंक सो वी कैन डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म, लाइक दैट ऐसे लिखिए। जितने ज्यादा मेल्स करोगे, जितने ज्यादा कॉन्टेक्ट करोगे, आप लोगों के लिए फायदा होगा। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, जो भी बेस्ट हो सकता है मैं जरूर करूंगा आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना,
और मैंने अपना एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वो ज्वाइन कर लो। उसके बाद एक ग्रुप और बना दे रहा हूँ टेम्पररी, जिसमें आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर दूंगा आप लोगों के लिए। इसके बाद आप कुछ जरूरी चीजें देखो यहाँ पे, कि जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं, जिनका जो कैंडिडेट की रोल नंबर वाइज लिस्ट दी है, आप अपना नाम चेक कर सकते हो वहां पे। उन लोगों को क्या करना है, जो भी जरूरी क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, कैटेगरी है, एज है, एज रिलैक्सेशन है, इनकी हार्ड कॉपी बनानी है। याद रखना, कोई भी डॉक्यूमेंट्स अभी ओरिजिनल नहीं सेंड करना है, सिर्फ फोटो कॉपी आपको भेजनी है, याद रखना, नहीं तो बाद में फिर आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम चेंज होंगे, चेक होंगे आपके, ठीक है? तो ये चीज हो गई। आपके डॉक्यूमेंट्स को और मैं डिटेल में समझा देता हूँ, रुकिए जरा, ठीक है? 22 तारीख इन्होंने लास्ट डेट दी है कि 22 तारीख को आपके डॉक्यूमेंट पहुंचने चाहिए, और वो भी सिर्फ स्पीड पोस्ट से ही। और आपको इनवेलप जो बनाओगे तो उसके ऊपर कुछ लिखना भी है, वो भी मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ फॉर्मेट किस तरीके से होगा, ये चीज है। और जरूरी चीज एक ये भी है कि ये 2 पॉइंट्स आप पढ़ लीजिए, अगर आपने 3 पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और तीनों पोस्ट अलग अलग रीजन की हैं, तो तीनों जगह आपको डॉक्यूमेंट सेंड करने पड़ेंगे, जो जिस पोस्ट की जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से, ठीक है? और अगर मान लीजिए सेम रीजन की पोस्ट है, तो आपको तब भी दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट सेंड करने पड़ेंगे। और ऐसा मत करना एक ही इनवेलप में रख दो, अलग अलग इनवेलप बना के रखना, ठीक है? 22 जुलाई जो है लास्ट डेट है, हो सकता है कि फ्यूचर में एसएससी को लगता है तो 10 दिन 15 दिन का टाइम वो आपको और दे सकते हैं, ठीक है? ये चीज हो गई। अब देखो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को क्या क्या भेजने हैं। एक तो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट सभी सेमेस्टर की, और उसके बाद आपके पास एक फाइनल मार्कशीट जो मिलती है, और जिनके पास प्रोविजनल मार्कशीट हो, एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट और मिलता है डिग्री का, प्रोविजनल डिग्री बोलते हैं, तो वो भी आप अपना रख देना जो भी ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है। अब देखो ये तो हो गया मैट्रिक लेवल के लिए, ठीक है? ये हो गया अपना हायर सेकेंडरी लेवल के लिए, हायर सेकेंडरी लेवल के लिए भेजोगे तो इतना जाएगा, और जब ग्रेजुएशन लेवल के लिए भेजोगे तो आपको यहाँ पे ये तीनों सर्टिफिकेट भेजने पड़ेंगे, है ना? तो याद रखना, कास्ट सर्टिफिकेट आपको सेंड करना है, जिस किसी ने एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट्स का एज रिलैक्सेशन लिया है तो उसके लिए यही सर्टिफिकेट हो जाएगा, ठीक है? और मान लीजिए अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भेजना है। और जो क्रूशियल डेट थी, आई थिंक 1/1/2021 थी, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मान लीजिए आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स जो भी सर्टिफिकेट हैं वो इस डेट के हैं, इस डेट से पहले तक के हैं, तो आप वही वाले भेजना है। ऐसा मत करना कि आप नए वाले भेज दो, क्योंकि क्रूशियल डेट उस टाइम वो थी और आपके पास उस टाइम उस वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके कंसिडर होंगे। और इसके बाद ईडब्ल्यूएस हो गया, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट सेंड करना है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस पोस्ट के लिए आपको एक्सपीरियंस मांगा है वो आपको जरूर भेजना है। और एक चीज और हो सकती है कि मान लीजिए अगर आपने एक्सपीरियंस का कॉलम ब्लैंक छोड़ दिया था और अब आप भेज रहे हैं, तो आप लोग के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मेरे साथ ही ऐसा हुआ है ना? तो आपको पहले ही ये इंस्ट्रक्शन में बता दिया गया था कि आपको रिलेवेंट एक्सपीरियंस का कॉलम जरूर फिल करना है, और वही फिल करोगे वही चीज वहां पे आपको वेरीफाई की जाएगी, ठीक है? तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पोस्ट के लिए आपको जरूर भेजना है। इसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी ये आ रही है कि एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म ना कि आपका एडमिट कार्ड। कुछ लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि एडमिट कार्ड भेजना है, एडमिट कार्ड की जरूरत नहीं है। जो आपने फेज 9 का फॉर्म भरा होगा उस टाइम आपको एक प्रिंट वहां पे जनरेट हो रहा होगा, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको लेना है। हर पोस्ट के लिए अलग अलग प्रिंट यहाँ पे ये जनरेट हुआ होगा, ठीक है? सो वो आप देख लीजिएगा। ये हो गए हमारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स, इन सभी की फोटोकॉपी लेंगे और सभी को सेल्फ अटेस्टेड करेंगे, अपने खुद के साइन करना है, किसी से और से साइन नहीं करवाना है। याद रखना सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। अच्छा, ओबीसी सर्टिफिकेट में एक इशू ये होता है कि कुछ लोगों का जो क्रूशियल डेट है 1/1/2021 उसके बाद भी बना हुआ है, तो आई थिंक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों का
एक मतलब फेज एट में मैंने देखा है वो प्रोविजनल कर देते हैं ठीक है, और बाद में फिर वो डिपार्टमेंट से वेरीफाई करवा लेते हैं, अगर वो सही होता है तो वो कोई दिक्कत नहीं आती उधर, तो वो कोई इशू नहीं है, आप उस चीज को लेके अभी परेशान नहीं हो। तो ये चीज हो गई आपके डॉक्यूमेंट्स को लेके। इसके बाद ये है एक मतलब आप इस तरीके से लिख सकते हैं, आपको याद रखना है जिस रीजन में आपने एग्जाम दिया था उस रीजन में डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने हैं, जिस रीजन की पोस्ट है उस रीजन में आपको डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। मान लीजिए मैं एनआर रीजन की पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहा हूं, इस पोस्ट के लिए मैंने फॉर्म फिल किया था, लेकिन मैंने एग्जाम जो दिया था वो सीआर रीजन से दिया था ठीक है, तो अब मुझे सीआर रीजन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मेरा एग्जाम सेंटर यहाँ पे था। अब मैं अगर डॉक्यूमेंट भेजूंगा तो मैं यहाँ पे भेजूंगा इस रीजन में, इस बात का विशेष ध्यान रखना, नहीं तो तुम सोचोगे डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए और वहां पे वो पहुंचे ही नहीं, फिर तुम्हारा स्टेटस लिख के आएगा डॉक्यूमेंट नॉट रिसीव्ड बिफोर स्टिपुलेटेड टाइम ठीक है। मैट्रिकुलेशन लेवल के लिए अगर आप फिल कर रहे हो फॉर्म सेंड कर रहे हो तो अपने इनवेलप पे ये लाइन जरूर लिखना ठीक है, मैट्रिकुलेशन लेवल और पोस्ट कैटेगरी नंबर आपका यहां आ जाएगा। अगर आप हायर सेकेंडरी लेवल के लिए लिख रहे हो तो आप इस तरीके से लिख दीजिएगा इनवेलप पे, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस हैं ये, और ग्रेजुएशन लेवल के लिए है तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, जिससे उनको इजी होगा कि भाई उनको जैसे इनवेलप मिला तो वो देख लेंगे ये हायर सेकेंडरी लेवल का है अलग करेंगे, मैट्रिकुलेशन लेवल का अलग करेंगे, ग्रेजुएशन लेवल का अलग करेंगे, पोस्ट कैटेगरी भी डली है तो उसके हिसाब से वो देख लेंगे, उनके लिए ईजी होता है। आपको अपने एसएससी के रीजन का एड्रेस लिखना है टू, और अपने फॉर्म में अपना नाम और अपनी डिटेल्स लिखनी है, जो भी ये इस तरीके से करना है। एक एनवेलप लेंगे उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं ठीक है, और आप पोस्ट ऑफिस जाके मतलब स्पीड पोस्ट से ही आप उसको सेंड करिएगा, मेल वगैरह कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद यहां पर देखो जरा है कि आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले ही बोला था कि आपको प्रिंट लेना ही है और उसको रिक्विजिट डॉक्यूमेंट के साथ सेल्फ अटेस्ट करके जब कमीशन बोलेगा तो आपको सेंड करना ठीक है। और यहाँ पे ये भी बोला था कि जो इन्फॉर्मेशन है जो कैंडिडेट ने एप्लीकेशन फॉर्म में दी है वो वेरीफाई की जाएगी, और डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जो होंगे वो डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के टाइम चेक किए जाएंगे। तो ये है आपकी प्रोसेस, आप यहां पे देख सकते हैं ठीक है। और एक और चीज ये है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का मैंने बता ही दिया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, तो आप अभी वो सर्टिफिकेट सेंड कर सकते हैं है ना। और जो आपका एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है वहां पर आपको जो भी सर्विंग डिफेंस पर्सनल हैं या फिर डिस्चार्ज हैं या फिर अंडरटेकिंग जो है ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम काम आएगी। तो ये चीजें बस मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा था कि ये चीजें देखो आपको बोली है चेक होंगी, तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भी आपको वही दिखानी पड़ेंगी जो आप अभी सेंड करोगे। इसके बाद एक और चीज यहाँ पे ये दे रखी है कि कुछ लोगों के साथ इक्विलेंसी का भी इशू आ जाता है, तो यहाँ पे ये बोला है कि अगर आप इक्विलेंसी का कोई क्वालिफिकेशन क्लेम कर रहे हो तो आपको अथॉरिटी का जो है नंबर और डेट ये आपको शो करना पड़ेगा ठीक है। और यहाँ पर इक्विवेलेंट क्लॉजेस इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मैंने पहले भी इसके लिए रिगार्डिंग एक वीडियो शेयर किया हुआ था कि इक्विवेलेंसी क्या है और किस तरीके से आप अपना सर्टिफिकेट ले सकते हो, किस किस के साइन होने चाहिए उस पर। सो ये हो गई आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब इसके बाद भी आप लोगों के साथ कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। और सबसे बड़ी चीज एप्लीकेशन फॉर्म की, तो मैं आपको बता रहा हूं जितना तुम रीजन से कॉन्टेक्ट करोगे, ईमेल भेजोगे, जितने ज्यादा, अगर किसी दोस्त का नहीं भी है, भी मैं एप्लीकेशन तो भी उससे एक मेल करवा ही दो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, जितना अच्छे से कोशिश कर लोगे हो जाएगा। क्योंकि फेज नाइन में मैंने कम से कम 50,000 प्लस कैंडिडेट के फॉर्म रिजेक्टेड देखे हैं, एसएससी ने कोई उनको एग्जिमिशन नहीं दिया, हो सकता है कि आप लोगों को भी कोई नहीं मिले, लेकिन फिर भी एक ट्राई आप कर सकते हैं और ये बड़ी चीज नहीं है, ये हो सकता है ठीक है। सो जैसे कोई और मुझे अपडेट मिलेगा तुरंत शेयर करूंगा, सब्सक्राइब कर लो, बहुत मेहनत करो आप सभी लोगों के लिए एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं, शेयर जरूर कीजिए यार, बहुत एफर्ट लग रहा है, और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें।